कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं अजमेर के मैदान पर क्रिकेट खेलते ये नेत्रहीन खिलाड़ी। जी हाँ, शहर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मंगलवार को 2 मैच खेले गए। पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश का सामना जम्मू कश्मीर की टीम से हो रहा है। एक मैचेस का दूसरा मैच चल रहा है, कल एक मैच हो चुका है जिसमें राजस्थान विनर रही, जम्मू कश्मीर को हमने 70 रनों से पराजित किया। और अभी ये दूसरा मैच चल रहा है जिसमें पहले जम्मू कश्मीर बैटिंग कर रहा है। और ये हमारा ब्लाइंड क्रिकेट है, इसमें मेन बात की 3 कैटेगरीज होती हैं, B1, B2, B3। इस कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे B1 कैटेगरी के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी बिल्कुल भी साइड नहीं होती है, उनको मतलब पता नहीं चलता, बिल्कुल भी दिखता नहीं है। और उनके जो खेलते हैं तो उनकी आँखों पर एक ब्लैक पट्टी भी बांधी जाती है जिससे कि अगर किसी की थोड़ी बहुत साइट हो तो वो भी ना रहे, उस कैटेगरी का ये मतलब होता है। और जो B2 कैटेगरी होती है उसमें मतलब थोड़ा बहुत साइट रखने वाले जो होते हैं उनको रखते हैं, और B3 कैटेगरी में जो उनको थोड़ा ज़्यादा दिखता है। ये त्रिकोणीय सीरीज 19 फरवरी से 21 फरवरी तक खेली जाएगी और फाइनल मैच में विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सभी टीमों की हौसला अफजाई करने दर्शक भी काफी संख्या में मैच देखने पहुंच रहे हैं। स्कोर एक बार ओवर कंफर्म करें, 10 ओवर बताए जा रहे हैं स्कोरर के द्वारा। अजमेर से सचिन कन्नौजिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 10 ओवर हो गए, 8 ओवर में 56 रन थे, 10 ओवर हो गए।